इस ऑक्शन से हमने गाड़ियां ली हुई हैं, ये वाली जो सी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी, ये तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए की बनती है। तो आप क्या कहते हैं, जो लोग नए आते हैं जापान में उनको ये वाला काम स्टार्ट करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं जापान नगोया में मौजूद हूँ और मेरे मामू यहाँ पे तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं और वो मुझे अपने काम के बारे में बताते होते थे। जब मैं जर्मनी में था तो मुझे उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वो यहाँ पे गाड़ियों की ऑक्शन का काम करते हैं, गाड़ियाँ एक ऑक्शन से खरीदते हैं और दूसरे ऑक्शन में जाके वो सेल करते हैं। तो मुझे ये काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जैसे वो बताते थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं जापान जाऊँगा इसके बारे में एक व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये काम कैसे होता है। तो अभी हम एक ऑक्शन में आए हैं, इधर से हम गाड़ियाँ वगैरह उठा के दूसरे ऑक्शन में लेके जाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और मामू से भी गपशप लगाएंगे कि मामू कब से ये काम कर रहे हैं, उनको ये काम कैसा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आपने ये चलाना? ओके ओके। अच्छा, ये नंबर लिखे हुए हैं, वही नंबर जो उसके ऊपर लिखे हुए थे? सही। तो जो ऑक्शन से गाड़ियां जब खरीदते हैं उसमें पेट्रोल नहीं होता, तो थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने के लिए ताकि दूसरी ऑक्शन में गाड़ियां बेच सकें, तो इन्होंने बनाए होते हैं। यहाँ से आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं और वो जो कैन के अंदर पेट्रोल डाल के गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, वो बंदा लेके आ रहा है पेट्रोल और ये आप हमारी गाड़ी में डालेगा। और ये जी गाड़ी मामू ने ली है और इसको हम दूसरी ऑक्शन में लेके जाएंगे और अगली गाड़ी भी जोनसी है वो खरीदी हुई है, तो दूसरी ऑक्शन में लेके जाएंगे और उधर सेल करेंगे। तो दोस्तों, ये वाली गाड़ी भी ऑक्शन में जा रही है, इसमें हमने पेट्रोल ज़्यादा डलवा लिया क्योंकि हमने सफ़र जो है लंबा करना है। और आप देख सकते हैं नॉर्मली इनकी नंबर प्लेट जो होती है वो वाइट या येलो कलर की होती है, लेकिन ये जो रेड कलर की नंबर प्लेट है इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है वो सिर्फ कुछ किलोमीटर के लिए आप किसी को सेल करने के लिए जा रहे हैं या किसी जगह पे उसको ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी नंबर प्लेट जर्मनी में भी मिलती है जिसको हम रोड कैन सेशन कहते हैं। जब आप नई गाड़ी लेते हैं और उसको घर लेके आना होता है और वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती, तो आप रेड नंबर प्लेट वाली, रोड कैन सेशन नंबर वाली गाड़ी लेके चलते हैं। लोग इधर आके चेक करेंगे, आप हमारे जो उनसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग हैं वो इधर ज्यादा जापान में ये काम करते हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना फायदा होगा क्योंकि आप एक दिन में जितनी ज्यादा गाड़ियां उठा सकते हैं किसी ऑक्शन में से, जितनी ज्यादा गाड़ियां आप खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे तो उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो हम अब दूसरे ऑक्शन में आ गए हैं और इधर से गाड़ियाँ उठाएंगे। होंडा और ये होंडा ऑक्शन है। और मामू, हम कल जुमे रात वाले दिन जाएंगे ऑक्शन में जहाँ से गाड़ी उठाएंगे। यहाँ से ये सही सही। चलें आप लोगों को ये भी दिखाते हैं और इधर से भी हम गाड़ियाँ पकड़ के किसी और ऑक्शन में जाके खड़ी करते हैं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें अपनी गाड़ी मिल गई है। ये असल में इन्होंने सीक्वेंस में नहीं लगाई हुई गाड़ी, वरना गाड़ी मिलना आसान हो जाए। बेचेंगे मामू तो ये नंबर इसी तरह के देंगे कि लोग नंबर चेंज कर देंगे? जो उठाया करना। हाँ, जिसे राजा का चाहिए था नंबर, राजा का चेंज करना। अच्छा, चेंज होता होगा। तो जापान में ये काम जोन से बहुत से लोग कर रहे हैं और वही लोग कामयाब हैं जो पुराने हैं, लाइक जिनको एक्सपीरियंस है। कोई नया बंदा आके ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं होगा कि कौन सी गाड़ी की क्या मार्केट है। गाड़ी लेते हुए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई या कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखी हुई। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आपको गाड़ी खींचनी पड़ती है। इस ऑक्शन से हमने गाड़ियां ली हुई हैं, ये वाली जो सी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी, ये तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपये की बनती है। और एक ये वैन नुमा गाड़ी है, ये तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए की बनी है। और इस ऑक्शन से हम गाड़ियाँ लेके दूसरी ऑक्शन में लेके जाएंगे और उधर लगाएंगे और उधर इसको सेल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस पर हमें प्रॉफिट मिल पाए। ये भी इन्होंने अच्छी फैसिलिटी बनाई हुई है कि आप घर बैठ के भी ये देख सकते हैं, और अगर आप रास्ते में हैं देर से ऑक्शन में पहुँच पा रहे तो आप लाइव इसकी एप्लीकेशन में जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी गाड़ियों का देख सकते हैं कि वो कहाँ पर बिक रही हैं और किस रेट पर बिक रही हैं, आप बेचना भी चाहते हैं या नहीं। जिस तरह ये नंबर चल रहे हैं अभी,
मामू यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी हेल्प करती है एक दूसरे की? हाँ बहुत करती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है और एक दूसरे से तामन तो रहता ही है ना। सही, और आप भी करते रहते हैं, मतलब आप भी करेंगे तो जो हो सकता है हम कुछ करते हैं। सही, तो आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। आपको अच्छा लगता है ये काम? मुझे तो पसंद है ये काम, एक तरह का आसान है लेकिन काफी उसमें मुश्किलात होती है, लेकिन एक अब थोड़ा पता चल गया होगा। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए तो मतलब नए लोगों के लिए अभी है कि किसी के साथ अटैच होना पड़ता है शुरू में। बिल्कुल, किसी के साथ चार छह महीने काम करें और उनको आइडिया हो जाता है तो फिर वो खुद कर सकते हैं। हमारी गाड़ियों का नंबर आने वाला है, 5 रह गए, आपको क्या लगता है बिक जाएंगी? यार देखो उम्मीद तो है, अल्लाह करे बिक जाए। चले चेक करते हैं, हम लाइव चेक करेंगे बिकी है या नहीं। तो ये एक एक करके आएगी या 2088 में हमारी कोई 2-3 गाड़ियों का नंबर है? नहीं, एक करके बाकी दूसरा दूसरी तरफ है। मामू आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितनी गाड़ियां खरीदी हैं? मैं एक दिन में तो एक ऑक्शन तो है 10-12-14-15। अच्छा, इतनी हो जाती है? तो अगर एक दिन में 2 आप जैसे उधर से भी खरीदे इधर से भी तो गाड़ियां इतनी हो जाती है, 10-12 तो हो जाती है अमूमन। अच्छा, और एक ऑक्शन से 4-5-6 तो कम से कम होती है। और एक दिन में सबसे ज्यादा बेचने का क्या रिकॉर्ड है? बेचने में तकरीबन 20 भी बेची है। 20 भी बेची है, माशाल्लाह। तो आपको लगता है कि काम अभी भी अच्छा चल रहा है ये, या पहले की नस्बत कम हुआ हुआ है? पहले की नस्बत से काफी हालात टफ है ना, अब हर चीज कंप्यूटर पे चली गई हुई है, पहले ये चीजें नहीं थी। अब तो आपको आपके सामने है हर चीज, बाहर जो बाहर से खरीदने वाले भी उनको भी पता है ये गाड़ी इतने में बिकी है। लेकिन ये काम कभी जापान में खत्म हो सकता है? नहीं, काम तो नहीं खत्म, जापान में तो ये काम नहीं खत्म हो सकता। सही, नहीं खत्म हो सकता क्योंकि ये सारी दुनिया को गाड़ियां उनकी जाती है सारी दुनिया में। हाँ जी, ये खत्म नहीं होता लेकिन कम हो सकता है, स्लो हो सकता है। स्लो तो वैसे ही हो जाता है, हमारी गाड़ी आ गई। अब इसमें वो सुरख का महीना आएगा ना, तो ये 6 से स्टार्ट हो रही है, 6 माह से स्टार्ट। आपने 6 माह इसकी मिनिमम प्राइस रखी है, इधर नहीं आती है, अभी पता चल जाएगा। तो ये अब बढ़ रही है प्राइस? हाँ, उसमें जाकर रुकेंगे ना। उसको किस प्राइस पे रुकेगी? नहीं अभी तक तो नहीं लगी, नहीं बिकी, नहीं बिकी, नहीं बिकी। 29 माह लगेगा, जो अब उन्होंने स्वाइसी नहीं लगाई, ये भी अपनी नहीं, नहीं 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 खत्म, नहीं बिकी। अच्छा, हमारी नहीं बिकी, नहीं बिकी। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे? हाँ, अब नेक्स्ट टाइम, अभी अभी नहीं बिकी। तो अगर मामू बिक जाए पहले टाइम में तो ज्यादा बेहतर है, आपका सर्विस जो है वो ठीक होती है। सही, चले उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम बिके। अगर आप गाड़ी ऑक्शन में से उठा रहे होते हैं जी जी, तो दूसरे बंदे भी ऑक्शन लगा रहे होते हैं जी, तो वो जिद में आके आप जिदबाजी में आप लोग कर दे रहे हैं, मैं ही चुकनी, मैं ही चुकनी है, ये बात है ना। अच्छा, तो ये तो बंदा अपना नुकसान कर जाए इस चीज़, लेकिन वो फिर होता है ना, पैसा जिसके पास है वो उसको कि भाई जिन्होंने बाहर भेजनी होती है तो वो करते हैं ना, उनके पास तो रेट होता है बाहर का। हाँ जी, तो वो जिद में भी उठा लेते हैं, बात 2 मान महंगी भी उठा लेते हैं, भाई तेनों नहीं टान देनी। रश बहुत ज्यादा था, हम JUI ऑक्शन में पहुंच गए। आप एक गाड़ी जो हमारी बिकने के लिए लगाई हुई थी वो नहीं बिकी, लेकिन अब अगली गाड़ियां देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बिक जाएंगी। और वो लाइव है, तो ये गाड़ियों की पार्किंग है और यहाँ की सबसे बड़ी जो सी ऑप्शन है वो मामू कौन सी, USS? ये सब USS। बाहर निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इधर से पुश करते हैं। ओके, तो आपकी एक गाड़ी भी की है, टोटल हमारी कितनी लगी हुई है? लगी हुई है इधर 4 थी ना, अच्छा ये बिकी है 10-2000 की, तो ठीक बिकी है। नुकसान इसमें बहुत मान के रहा ना, क्या नुकसान हुआ है? प्लस हुआ है, चलें बहुत अच्छा हो गया। तो इसमें लिखा भी होता है कि किस बंदे ने ये ली है?
और ये जो लेने वाला होता है उसकी आइडेंटिटी अननोन होती है, वो डायरेक्टली डीलर से मतलब यहाँ से लेगा आपका पहले नंबर आ जाता था जिसका पता चल जाता था, अब वो नंबर आपका उस बंदे से कोई लिंक नहीं होगा, वो आपको कोई क्लेम भी नहीं करेगा कि क्लेम गाड़ी का हो सकता है कि मसला गाड़ी। अच्छा, अदरवाइज वो तो ठीक हो गया क्लेम, जहाँ से गाड़ी उसने उठाई है पर वो हमें कहेंगे, वो आपको कहेंगे। मामू अगर आप गलती से पुश कर दें एक गाड़ी की प्राइस जो आप नहीं देना चाह रहे हो, गलती से पुश हो जाए तो उसका क्या होता है? उसका ये कि वो उसको फिर बाद में कैंसिल कर देते हैं, तो उसकी जो फीस होती है वो उनकी क्लेम जो फीस होती है पेनल्टी जो होती है वो लेते हैं, तकरीबन वो लेने ही लेना उन्होंने, जिसकी गाड़ी है उसको तो 5,000 उन्होंने देना है, 5,000-50,000 यन देना है, तो फिर अपनी फीसें जो लेनी है उन्होंने ऑक्शन वालों ने, तकरीबन 70,000 यन बन जाते हैं। आपसे कभी ऐसा हुआ है? कई दफा हुआ, वो तो बहुत अफसोस होता होगा। हाँ, लेकिन अफसोस होता है, लेकिन काम है ना। और आपकी इधर फेवरेट ऑप्शन कौन सी है? हमारी फेवरेट तो ये जो कोई भी है, जेयू जुमरात को जेयू होती है, जुमरात को यूएसएस होती है, उसके बाद मिराई होती है, टीए होती है, मतलब हर रोज ऑप्शन 2-3 होते हैं, 3-4 होते हैं। जापान में आप लोग मैकडोनल्ड को मैकडोनल्ड कहेंगे तो ये इनको मैकडोनल्ड की समझ नहीं आएगी, ये क्या कहेंगे मामू? मैकडोनल्ड मैकडोनल्डो, 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 फिर उनको समझ आएगी। और इसी तरह ये पीछे आवाज चल रही है कब से, स्टार्टो स्टार्टो स्टार्टो, मैंने पूछा ये क्या स्टार्टो स्टार्टो, ये स्टार्ट को स्टार्टो कहते हैं। जल्दी में देख सकते तो शुक्रिया मामू आज के दिन के लिए, आपने बहुत अच्छी डिटेल बताई है कि यहाँ पे ऑक्शन का काम कैसे होता है। तो हम लोगों ने 3 गाड़ियां बेची हैं। हाँ, 3 बेची हैं, एक नहीं बिकी, एक नहीं बिकी, चले नेक्स्ट टाइम बिक जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसे ही काम है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, मतलब तो रूटीन कहीं पे भी, जिस जापान में ऐसा ही काम है, ऑक्शन इस तरह ही होता है। तो आप क्या कहते हैं जो लोग नए आते हैं जापान में, उनको ये वाला काम स्टार्ट करना चाहिए या पहले पहले एक्सपीरियंस हासिल करें, वो सबसे बेहतर है ना। सही, एक्सपीरियंस हासिल करके उसके बाद वो करें, कम से कम 4-6 महीने वो काम सीखें, किसी के साथ लग जाएं, नए पुराने बंदे के साथ, तो फिर उसके साथ करके देख लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये करेंगे तो नुकसान ही करवाएंगे, नुकसान है ना, शुरू में तो नुकसान ही होगा उसको। हाँ जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।